नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक बैट लक और मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार। हर कोई कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि आखिर कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, ताकि वह अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने ख्वाबों को भी पूरा कर सके। अगर आप भी ऐसे ही लोगों की फहरिस्त में शुमार हैं तो अब आप ज्यादा चिंता मत करिए। क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी तरकीब के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे वाकिफ होने के बाद अगर आप चाहे तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आखिर क्या है वो तरकीब, जानने के लिए देखिए हमारी ये वीडियो। आपको बता दें कि इस तरकीब का नाम है सट्टा किंग। सट्टा किंग के तहत आपको किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष नंबर आने की संभावना व्यक्त कराते हुए कोई पर्ची लिखवानी होती है। अगर आपकी संभावनाएं वास्तविकता में तब्दील हुई तो आपको आपके द्वारा निवेश किए गए रकम पर कुछ रकम बढ़ाकर दे दी जाएगी। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप फरीदाबाद में 56 नंबर आने की संभावना व्यक्त कराते हुए कोई पर्ची लिखवाते हैं और अगर अगले दिन फरीदाबाद में 56 नंबर आ गया तो आपको आपके द्वारा निवेश किए गए रकम पर कुछ रकम बढ़ाकर दे दी जाती है। तो इस तरह से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ एक बात समझनी होगी कि इस खेल में संभावनाओं के साथ जोखिम भी है। इसे आप ऐसे समझिए, ध्यान दीजिएगा कि सट्टा किंग में हमेशा ही आपके द्वारा जताई गई संभावित नंबर वास्तविकता में तब्दील हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके द्वारा बताई गई संभावित नंबर वास्तविकता में तब्दील नहीं होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस खेल में संभावनाओं के साथ साथ जोखिम भी है। चलिए अब आगे आपको आज के विनिंग नंबर के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये विनिंग नंबर है क्या। तो आपको बता दें कि जब आपके द्वारा जताई गई संभावित नंबर वास्तविकता में तब्दील होती है तो उसे विनिंग नंबर कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये खेल किस्मत पर आधारित है, इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय जोखिम भी है, इसलिए बड़े ही सोच समझकर इसमें पैसा लगाएं। एक बात और कि न्यूज रूम पोस्ट ऐसे किसी भी खेल को प्रमोट नहीं करता है, हमारा उद्देश्य बस आप तक खबर पहुंचाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।